क्या कहना है भाई सिद्धांत? अरे सुरेश सर, आपने कल अपने बेटे को पैसे दे दिए, मेरे पैसे नहीं दिए। भाई वो मेरा बेटा है तो मैं तो उसे पैसे दूंगा ना। और भाई तेरा मेरे से क्या रिश्ता है मैं जो तुझे पैसे दूं? अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। यस गाइस, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, यानी अपना खून अपना होता है, पराया पराया होता है। तो यार इस चीज को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे गाइस? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इस तरह से। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये एक फ्रेज, ये एक मुहावरा है, ये एक मतलब ये प्रोवर्ब्स है, ये लोकती है। आप इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे, आप कभी आप इस तरीके से अपने अपने तौर तरीके लगा के बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो वह गलत बनेगा और ऐसी कोई इंग्लिश नहीं होती। तो जब आपको बोलना है, जब आपको बोलना है कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, अपना खून अपना होता है और पराया पराया होता है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। खून के रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसे भी आप कह सकते हैं भाई, खून के रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। अपने तो अपने ही होते हैं, जैसे आप बोलते हैं अपने तो अपने होते हैं, तो अपने तो अपने ही होते हैं। आप इसे इंग्लिश में जब कहते हैं भाई अपने तो अपने ही होते हैं भाई, तो आप इसे बोलेंगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। जैसे आप बोलो भाई अपने तो अपने होते हैं, तो आप इसे बोलेंगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो ऐसी इंग्लिश सीखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीबडी, बाय बाय।